पीएम मोदी ने कोरोना पर आई सर्वदलीय बैठक, वैक्सीन टीकाकरण पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, पेगासस जासूसी के मामले में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में कोरोना मामलों में बड़ी राहत, पिछले 24 घंटे में 30,000 से कम केस। हजार सहायक शिक्षक भर्ती का मामला, आज भाजपा कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी, सड़क पर बैठकर लेट कर मांग रहे न्याय। शेयर बाजार लाल निशान में, सेंसेक्स 121 अंक टूट कर खुला। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों की तस्वीर साफ हो गई है। इसमें तय आरक्षण से अधिक ओबीसी और एससी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। पिछड़ा वर्ग के 12,630 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में अपनी मेघा के दम पर जगह पाने में सफल रहे। वहीं विशेष आरक्षण और आरक्षित अभ्यर्थियों को उनके गुणांक, जिला वरीयता विकल्प के आधार पर जिले का आवंटन किया गया है। लखनऊ के शिक्षा निदेशालय पर 70,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के खिलाफ हक की लड़ाई लड़ रहे पीड़ित छात्रों की मांग सुनने की बजाय हजारों ओबीसी और एससी सीटों को लूटने वाली योगी सरकार उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाती है। वहीं इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने भी ट्वीट किया है। लखनऊ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने ईद उल अजहा के मौके पर एडवाइजरी जारी की है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने एडवाइजरी जारी की है कि गाइडलाइन के तहत सिर्फ 50 लोग मस्जिद में नमाज अदा करें। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। ईद उल अजहा यानी बकरी पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह 21 जुलाई को मनाई जाएगी। इस मौके पर सवेरे मुसलमान नमाज अदा करते हैं, उसके बाद अपने घरों में या मदरसों में कुर्बानी के अपने फरीजे को अंजाम देते हैं। इस साल क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल अभी नाफिज है, इसलिए सबसे यही अपील है कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ ने जो एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल और हुकूमत की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए शरई उसूलों की बुनियाद पर यह एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि आवाम से अपील की गई है कि किसी भी मस्जिद में 50 से ज़्यादा लोग एक बार में नमाज ना अदा करें और नमाज के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का खसूसी अहतमाम किया जाए और कहीं पर भी भीड़ ना जमा की जाए और उसी के साथ साथ छोटे जानवर की कुर्बानी अपने घरों में ही करें और बड़े जानवर की कुर्बानी बड़े मदर। आगामी 21 जुलाई को पूरे देश में ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए प्रशासन और शासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं ताजनगरी आगरा में भी आगरा के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ईद को सकुशल संपन्न कराने की कमर कस ली है। आगरा एसएसपी मुनिराज ने बताया कि ईद के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। साथ ही शासन से मिली अतिरिक्त पुलिस बल को भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगा दिया गया है। जनपद में बकरा ईद के लिए पूरी तरीके से तैयारी है पुलिस। हम लोगों ने ऑलरेडी मीटिंग कर चुका है, सभी 5-25 की मीटिंग सभी रिलीजियस लीडर्स को बुला के बातचीत हो गया और जो सरकार का गाइडलाइंस है उसी का 100% लोग अनुपालन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर कोई सामूहिक कोशिश करेगा उनके ऊपर सख्ती से कार्य होगी। उनके निवेदन किया इस तरह का कोई चीज़ नहीं करेंगे। जो भी उन लोग कुर्बानी करना, जो भी प्रोग्राम है वो अपने इंडिविजुअली अपने घर के अंदर करना चाहिए, बंद कमरा में करना चाहिए उसका। और उसी के साथ साथ कहीं भी कोई प्रतिबंधित जानवर का भी कुछ लोगों ने कुछ इससे करना, उसके लिए उनको कार्रवाई रहेगी, उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई भी होगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए उन लोग। और साथ साथ हमने हमारे SHO लोग को बता दिया, अभी से लगातार उन लोग संपर्क बने रहेंगे। जो ईद का दिन हमारे टीम सेक्टर से बांट के सभी SHO CEO सभी रहेंगे, उन लोग का लिस्ट दे चुका हूँ मैंने। इसके अलावा साथ साथ हमको एक्स्ट्रा फोर्स भी मिली है इसका ध्यान रखने के लिए, कहीं भी कोई बात हो जाए उसका। मैनपुरी के थाना विचवा में पुलिस को भी हाथ लगी है। गैंगस्टर के मुकदमों में वांछित गैंग लीडर सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इन पर 5,000 का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय के निर्देश में जिले के आरोपियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है।
बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 9 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महज 8 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी बच्ची को खिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया था, जिसके बाद आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया था। सूचना दी गई थी कि उसकी 9 माह की बच्ची के साथ युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल सक्रिय हुई, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, बच्ची का उचित उपचार सुनिश्चित किया गया। SSP महोदय के निर्देशन में 3 टीमें थाना स्तर पर गठित की गई थी और उन टीमों ने अथक प्रयास करके लगभग 7-8 घंटे के अंदर ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ ही प्रकरण में विधि सम्मत कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा। लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर के आदेश पर अपराध और अपराधियों की धरपकड़ में सरोजनी नगर पुलिस टीम को सफलता मिली है। ACP स्वतंत्र कुमार सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सरोजनी नगर महेंद्र सिंह और थाना सरोजनी नगर को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से दान पात्र और एक गैस सिलेंडर और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया है। बुलंदशहर के सयाना थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक वृद्ध महिला की ईंटों से कूचकर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची भीड़ ने आरोपियों की जमकर पिटाई की। इसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। नीर पाट करी और काने को कुंडल खींचने के बारे में उसे जान से मार दिया। खोपड़े से ईट फोड़ दी, बाँ हाथ पान तोड़ दी। तो कैसे आपको कैसे पता लगा? मुझे तो पता चली थी जब उसके चीज पर टाक हो रही, मैं भी भाग कर पड़ा। अब ऊपर से फिर बेटा भी आया जी, बेटा ने उठा लिया, मैंने घर वाले उठा लिया। इतने ही फिर गाँव वाले आ गए। आगरा में हो रही बारिश के बीच बिजली के करंट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। यात्रियों के पीने के पानी के लिए रोडवेज बस स्टैंड पर लगे वाटर कूलर में करंट दौड़ रहा था। वहीं इस बात से बस स्टैंड कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। 3 दिन से वाटर कूलर में करंट दौड़ रहा है, शिकायत करने के बावजूद भी वाटर कूलर ठीक नहीं हुआ। अभी तक आगरा प्रदेश के सबसे गर्म शहरों की टॉप 3 सूची में शामिल था, लेकिन मानसून की मेहरबानी से सोमवार को यह प्रदेश के सबसे ठंडे 5 शहरों में शुमार हो गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर का रहा, जबकि आगरा 5वें नंबर पर रहा। दिन और रात के तापमान में महज 2 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर रह गया। वहीं रिमझिम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। बता दें कि लंबे समय से लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान थे। हमीरपुर में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों और सदस्यों की शपथ ग्रहण के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ब्लॉक प्रमुख और सदस्यों ने शपथ ली। बता दें कि समाजवादी पार्टी के जयनारायण सिंह यादव सुमेरपुर ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया था। वहीं इसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। तो हमीरपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रत्याशी हो शपथ दिलाई गई। समाजवादी पार्टी के जयनारायण सिंह यादव सुमेरपुर ब्लॉक से चुने गए हैं। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों ने आज शपथ ली। तो आज नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। और वहीं हमीरपुर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।